करने का जमाना। तो आना पड़ेगा खाना खजाना, और खाकर इस खजाने की थाली को ले जाएंगे 3100 का इनाम और बना लेंगे अमीर लोगों में अपना। तो वापिस आ चुका है तुम्हारे भाई चैलेंज के मैदान में, और खाकर इस थाली को आज भाई ले जाएंगे इनाम। भाई स्टार्ट करते हाँ जी भैया, आ गई ये खाना खजाना थाली। ये 3-4 लोग मिलके खाते हैं, आप अकेले नहीं खा पाओगे। अकेले नहीं खा पाएंगे? अरे बिल्कुल भाई, थाली भी काफी बड़ी और काफी सारी कटोरी और एकदम खजाना, एकदम गोल्डन सोने की थाली ले आए क्या? जी बिल्कुल, एकदम स्पेशल बनवा के लाया। मतलब आपको पता लग गया था क्या, महाराजा लोग आ रहे हैं तो महाराजा वाली थाली मंगवा ली? जी। अरे क्या बात है। और अभी क्या बनने जा रहा है सबसे पहले? पालक पनीर बनने जा रहा है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे पालक पनीर बनेगा। भाई साहब बटर आ चुका है, क्या बात है। और जो शेफ है ना भाई स्पेशल, हमने आज भाई साहब कड़ी तपस्या करके बुलवाया यहाँ के शेफ। थोड़े से भाई साहब लगते बहुत बढ़िया। ये अब आ रहा है भाई साहब पालक, बहुत जबरदस्त। और ये आ गए इसके अंदर देखिए आप पनीर के बहुत सारे पीसेस, और ऊपर से आ गए भाई अमूल क्रीम भर भर के। और देखिए तड़का लग चुका है और एकदम सबको खाती आ गई है। और ये आ गई भाई हमारी थाली में सबसे पहली सब्जी, देखिए भाई साहब पालक पनीर बहुत ही बेहतरीन। ये आ गई भाई साहब शाही पनीर भी आ गई इस थाली के अंदर। ये लो भाई क्रीम तो हर चीज में जाएगी जाएगी, पनीर बटर मसाला भी आ गया गाइस। 3 सब्जी आ चुकी है, अभी और सब्जी है इस थाली के अंदर आना बाकी है। देखिए भाई साहब मिक्स वेज, मतलब देखते ही ना मुंह से समुंदर बाहर आ रहा है। ये चीज तो भाई कमाल कर रही है यहाँ पे बेहतरीन सी। देखिए दाल तड़का यहाँ पे बनाई जाएगी आज। और ये ऊपर से क्या डाल रहे हो, हर सब्जी में डाल रहे हो, मतलब कुछ जान है क्या सब्जी की? सब्जी की जान है इससे। ओ भाई साहब जबरदस्ती दाल फ्राई बनने वाली है आज, देखते जाइए आज आप भाई। ये यहाँ की स्पेशल है, क्यों भी आप दाल भी आ गई यहाँ पे। हम प्योर अरहर की दाल बनाते हैं, बाकी रेस्टोरेंट्स में क्या करते हैं चने की दाल मिक्स कर देते हैं, हम चने की दाल मिक्स नहीं करते भाई। जबरदस्त साइज से बनाई जा रही है ये चीज, देखिए काफी बढ़िया लग रही है। और ये दाल भी तैयार हो चुकी है और नेक्स्ट आइटम आ चुकी है हमारी इस थाली के अंदर, बहुत बेहतर क्या बात है। जरा पास से देखिए नजाकत जरा दाल की, कितनी बेहतरीन सी दाल यहाँ पे तैयार हो चुकी है। ऊपर से देखिए यहाँ पे पनीर गार्निश कर दिया गया है, दाल के ऊपर अलग से आ गया अमूल का मक्खन, बहुत बढ़िया। ठंडी ठंडी घी, इसलिए इसको बोलते हैं ठंडाई, ये गार्निश में बहुत बढ़िया। बूंदी रायता भुना हुआ जीरा, बहुत बेहतरीन सर। और नेक्स्ट आ गया भाई साहब यहाँ पे देखिए शाही राजमा भाई। और नेक्स्ट एक कटोरी रह गई, अब इसके अंदर क्या आएगा वो भी देखते हैं भाई साहब। गुलाब जामुन आहा भाई, ठीक है। और अगर आपको लग रहा हो ये थाली यहाँ पे कंप्लीट हो गई है, बिल्कुल नहीं भाई, इसके अंदर अभी और आइटम आना बाकी है गाइस। और शेफ नेक्स्ट कौन सी आइटम है? ये है बिरयानी राइस। अरे वाह, खोल दीजिए जरा इसका मुखड़ा। आए हाय 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 भाई, ये थाली है या एकदम खजाना है भाई, इसको लूट लो आके भाई। भाई इसके अंदर करीबन अगर मैं देखूं भाई साहब 6 तरह की सब्जी है, मीठे हैं भाई 2 तरह के चावल हैं, और अभी कुछ सरप्राइजेस और आना बाकी है। जरा बना रहिए वीडियो के अंदर। तो मेहरबान करदान आ रही है यहाँ पे, देखिए भाई खाना खजाना की स्पेशल थाली भाई साहब कितनी बढ़िया भाई। ओहो हो भाई, ये लो भाई यहाँ पे परोस दी गई है भाई, जबरदस्ती थाली बहुत बेहतरीन। तो गाइस यहाँ पे आ चुकी है खाना खजाना की थाली। अरे रुको रुको, सरप्राइज बाकी है। अरे भाई साहब ये क्या भाई, मतलब इतने सारे लच्छा पराठा भाई साहब, मिस्सी रोटी नान, भैया क्या करके मानोगे? अरे भैया इससे सिर्फ और सिर्फ 3.5 मिनट में खत्म करनी है। सच्ची बताओ? हाँ एकदम, कोई दिक्कत नहीं है भाई, 3.5 मिनट में चिल्लू भर सब्जियां खत्म कर डालेंगे भाई। अरे रुको रुको, 3.5 मिनट में आपको खत्म नहीं करनी, बाकी लोगों को मौका दो, आप तो हर जगह चैलेंज कंप्लीट करते हो। अच्छा जी, मेरे को पता है आप खा जाओगे भाई भैया, बट बात हुई थी ना गाइस वो चैलेंज की हुई थी, आज होएगा तो चैलेंज ही होगा भाई, ऐसी बात नहीं है भैया। नहीं नहीं, बाकी लोगों को मौका दो, क्यों लुटवाने में तुले हुए मुझे? अच्छा जी, तो मतलब ऐसे क्यों है, आप क्यों नहीं चाहते कि मैं चैलेंज ना करूं? क्योंकि आप खा जाओगे, मेरे को पता है, बाकी लोगों को मौका भी तो मिलना चाहिए ना, बाकी मतलब, लोग आए ट्राई मतलब, करें। मतलब भैया का ये कहना है कि गाइस अगर ये मैं थाली खत्म कर गया तो आप दूसरों को फिर चैलेंज नहीं दे पाओगे। जी बिल्कुल, तो आप चाहते कि हमारे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं वो आए और इस थाली को कम्प्लीट करें? जी एकदम, आके कम्प्लीट करके और पैसा जीत के जाए, कमा के जाए। और मैंने सुना है कुछ लिमिटेड टाइम भी इस थाली के चैलेंज के लिए। हाँ सिर्फ और सिर्फ 1 हफ्ता चलेगा ये चैलेंज। तो ये 1 हफ्ता चलेगा ये चैलेंज। आप लोग मेरे से पूछते रहते हो ना कि भैया कहाँ जाए, कहाँ चैलेंज करवाए, तो काफी तो हम स्ट्रीट चैलेंजेस होते हैं जो बंदों के बीच में होते हैं 1-on-1, बट ये चैलेंज सबके लिए है। और भैया कह रहे हैं कि मैं नहीं खाऊंगा, तो कमेंट करो भाई जस्टिस फॉर आर यू हंग्री, आप क्या चाहते हो फिर मेरे से? आप हर जगह खाते हो, आज मैं चाहता हूं इत्मीनान से खाऊंगा। अच्छा ये रीजन है मेरा? हाँ बिल्कुल। ओके, तो मैं भैया का रीजन समझ चुका हूँ कि यार हर कोई मेरे को ना चैलेंज ही देता है, भैया कह रहे कि आज खाने का मजा लो, लुफ्त उठाओ आप यहाँ पे एक एक बाइट का, एक एक डिश का यहाँ पे, ठीक है। तो वही किया जाएगा आज, चलो जैसे कि भैया ने बोला, बट खाएंगे आज अपने ही स्टाइल में गाइस, ठीक है। शुरू करते हैं भाई साहब इनसे, सबसे पहले आइए थोड़ी सी जगह बना ले। तो सबसे पहले है भाई इनकी बहुत ही बेहतरीन लच्छा पराठा, रोटी आ चुकी है अपनी यहाँ पे, और ये सब्जी आ गई, और खाई जाएगी भाई साहब अपने स्टाइल में। चलिए और साथ
साथ में हम लेते हैं अब इनका यहाँ पे नान, भाई नान भी खाया जाए है ना, और नान के साथ कौन सी सब्जी ली जाए हम ये भी सोच रहे हैं। अब नान के साथ लेते हैं भाई यहाँ पे भाई राजमा, पूरा पूरा रोल बनाया जाए। चलिए इनके राजमा भी बहुत ही बढ़िया है और एकदम पंजाबी स्टाइल में बनाए गए भाई। और भैया नेक्स्ट बताइए कौन सी ट्राई करें। तो नेक्स्ट अब हम ट्राई करेंगे भाई साहब पालक पनीर। पालक पनीर, अब पालक पनीर का स्वाद कर बदल लिया जाए आप। अब पालक पनीर कैसे बनी है भाई, चलिए भाई भाई पालक पनीर भी बहुत ही जबरदस्त बनाया गया, एकदम बिल्कुल काड़ के देसी वाला, बहुत ही बढ़िया। बिरयानी राइस तो बची गई, वेज बिरयानी हमारी ये भी बच गई। और तो आपने हंगरी मोड देखा है, अपने हंगरी मोड दिखाते हैं अब आपको एक, अभी हो जाए बढ़िया विशाल वाली बाइट। ठीक है भैया, ठीक है हो जाए, हो जाए, घबरा तो नहीं रहे, अरे एकदम पक्की बात है, अरे एकदम लॉक कर दिया जाए एकदम। चलिए मजा आ गया, एक नंबर। भैया का कहने का मतलब ही है एक नंबर भाई, सारी चीज इतनी बढ़िया है। मुंह हमारा थोड़ा सा खराब हो गया बट देसी राइस खाएंगे भाई और देसी स्वाद है, आप भी आ सकते हो ट्राई कर सकते हो। और क्या भैया बूंदी रायता है अपना? हाँ बूंदी रायता। चलो भाई बूंदी रायता भी ट्राई कर लेते हैं, बहुत ही बढ़िया। करीबन हमने सारी डिश तो ट्राई कर ली होंगी भैया यहाँ पे, एकदम कर ली। देखो यार थाली अगर मैं बोलूं जो पूरे पैसे वसूल है गाइस, आप आ सकते हो ट्राई कर सकते हो, और अगर आप चैलेंज करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। काफी बढ़िया चैलेंज भैया ने रखा हुआ है यहाँ पे, और कितना इनाम है? 3100 रुपए का। ये लो भाई लेके बैठे हुए हैं, ठीक है तो आइए ट्राई कीजिए यहाँ पे। जब तक हम लेते हैं भाई इस गुलाब जामुन का भी मजा यहाँ पे, क्या बात है। खाने के बाद मीठा तो बहुत जरूरी है। आप ये बताओ कैसा लगा खाना? बहुत ही बढ़िया गाइस, मतलब एक एक मतलब सब्जी के अंदर ना आपको अलग स्वाद आएगा, और इस थाली के अंदर आपको भाई साहब मतलब 10 तरह के स्वाद इसके अंदर आपको एक ही थाली के अंदर मिलेंगे। और करीबन मेरे हिसाब से अगर 5-6 ग्रुप का फ्रेंड भी आएगा ना, थोड़ा थोड़ा खाता है तो आराम से इनफ है मेरे हिसाब से। अच्छा चलो आप प्राइस गेस करो इसका। कम से कम मेरे हिसाब से 2-2.5 हजार की प्लेट होगी। नहीं नहीं बहुत ज्यादा बोल दिया। कितने रुपए की है? बस 499 की। बस 499 की? बस 499। और अगर किसी को चैलेंज करना हो तो कितने रुपए की थाली है? तब उसको 1000 रुपए देने पड़ेंगे। बस 1000। तो भाई पूरी आपको आज डिटेल में बता दिए, काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं कहाँ पे कैसे जाए क्या चैलेंज करें। ठीक है अगर आप भी भाई भाई की तरह आप भी बहुत बड़े हंगरी हैं तो आइए इस चैलेंज को कंप्लीट करिए और लीजिए। मैंने सुना यहाँ पे और भी ऑफर चल रहे हैं, जरा वो बताइए। हाँ आपको मिलेगा चाप, तंदूरी रोटी, चावल, राइस, ये मिलेगा 150 रुपीज में, अनलिमिटेड पर पर्सन। बस शर्त यही है कि एक ही आदमी खाएगा, जितना चाहे उतना खाए। और भी ऑफर्स है, चाइनीज में आपको मिलेंगे हमारे पास फ्राइड राइस, मंचूरियन, नूडल्स। मतलब भैया थोड़ी डिस्टर्ब कर रहा हूँ बट यहाँ पे ना MIT के स्टूडेंट बहुत आते हैं, तो भैया ने उसके लिए ऑफर निकाल रखा है। सही कह रहा हूँ? हाँ एकदम सही कह रहा हूँ आप। थोड़ा सा भाई एक बाइट और हो जाए जबरदस्त वाली। बढ़िया सी बन गई है बाइट, कम लग रहे हैं मेरे को। ठीक है अभी आपको ना एक प्लेट और दिखाएंगे और ये बाइट भी खाई जाए। पेट भरा? पेट तो अभी नहीं भरा। हाँ पर आप एक बार अनलिमिटेड भी मंगवा दीजिए, जरा वो भी खा जाए। बिल्कुल ले आया जाए। अगर आप ये थाली खाना नहीं चाहते, अनलिमिटेड खाना चाहते हैं, पेट भर के खाना चाहते हैं, तो वो भी हम वीडियो में मंगवा रहे हैं यहीं पे। ठीक है बने रहिएगा। तो यहाँ पे हमारे अनलिमिटेड ऑफर आ चुके हैं भैया, इतने ही है, और भी हैं। अभी और भी हैं, लेके आओ लाइए। ओ भाई साहब, तो भाई ये सारी चीजें ना आपको मतलब मेरे हिसाब से कितने कितने रुपए में जरा बता दीजिए क्या क्या है। ये 199 रुपीज में, चाहे आप अफगानी चाप खाओ, चाहे तंदूरी खाओ रुमाली रोटी के साथ। ये आपका है ग्रेवी में मसाला चाप हो गई, और ये आपकी हो गई बटर चाप, शाही बटर चाप, जिसको आप तंदूरी रोटी के साथ खा सकते हो। चावल है उसमें, अनलिमिटेड है पर पर्सन के लिए। और इसका प्राइस है आपका 149 रुपीज, और इसका प्राइस है 199 रुपीज। मतलब यार अगर आप चाप लेते हैं ना कोई से भी, तो ये अलग प्लेटर हो गया जो पड़ेगा आपको 199 का, और ये वाला आपको पड़ेगा 149 का। मतलब यार इतना बढ़िया सा ऑफर भाई आपको ढूंढने से भी ना नोएडा सेक्टर 45 में कहीं पे भी नहीं मिलेगा। और ये वीडियो ना आपको MIT वाले स्टूडेंट तक पहुंचानी है, ये मैं आपके ऊपर जिम्मेवारी रख रहा हूँ, क्योंकि ये बेहतरीन से ऑफर ना आपको भाई ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। मेरे ख्याल कॉलेज स्टूडेंट को ज्यादा पसंद आएंगे, क्यों भैया? बिल्कुल एकदम पसंद आएंगे। और अगर आप नोएडा सेक्टर 45 में रहते भी हो तो जल्दी से आप भी आइए और इस ऑफर का मजा उठा सकते हो। ठीक है, और मेरे हिसाब से अनलिमिटेड कहीं पे भी नहीं है। नहीं और कहीं भी नहीं मिलेगा। और सबसे बेहतरीन बारी 24 घंटे खुला रहता है। और एक बारी ना आपको बाहर चल के लोकेशन भी समझा देते हैं कैसे आपको यहाँ तक पहुँचना है, ये भी हमारी जिम्मेवारी है। तो आ जाओ। तो भैया एक बारी लोकेशन भी बता दीजिए। भैया आपको आना है अमरपाली सफायर, नोएडा सेक्टर 45, नियर बेसमेंट मार्केट, 2 किलोमीटर जस्ट दूर है आपके अमेठी यूनिवर्सिटी से। और आइए अगर आपको लोकेशन की दिक्कत होती है, लोकेशन का लिंक
गूगल में मिल जाएगा। हाँ गूगल में मिल जाएगा, गूगल में आपको भाई साहब इनका लोकेशन का लिंक मिल जाएगा। और साथ ही साथ में एक ऑफर भी जबरदस्त तुम्हारे भाई ने यहाँ पे निकलवा दिया, अगर कोई एमएटी का स्टूडेंट ये वीडियो देख रहा है तो उसके लिए क्या ऑफर है? एक कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक मिलेगी कोई भी एमएटी के साथ। हाँ कोई भी। पर करना क्या होगा उनको? वीडियो शेयर करके आनी होगी भाई, आपको ना वीडियो शेयर करके आनी होगी दूसरे एमएटी के स्टूडेंट को, और यहाँ पे आके भैया को दिखाना है आपको एक ड्रिंक भाई साहब यहाँ पे फ्री मिल जाएगी। तो ज्यादा ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए और ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ठीक है? ऐसे ऑफर्स आपको मेरे हिसाब से नोएडा में कहीं पे भी नहीं मिलेंगे जो ये भाई साहब दे रहे हैं, और 24 घंटे ये ओपन रहता है, सही कह रहा हूँ? हाँ बिल्कुल। तो कभी भी आइए, एक दिन में भाई साहब सातों दिन 24 घंटे आके इस खाने का मजा उठाइए, अनलिमिटेड ऑफर का मजा उठाइए। इसके साथ ये वाली वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, फिर से मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, शुक्रिया, शब खैर, लव यू, टेक केयर, गुड बाय।